स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के आज के इस नए एक्सेल वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल के सभी लॉजिकल फॉर्मूलास को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट डिटेल में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आज की वीडियो में जो हम फॉर्मूलास कवर करेंगे वो होने वाला इफ नॉट एंड और इफ एंड इफ और दो बोनस फॉर्मूलाज होने वाले हैं इफ से रिलेटेड। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो एक्सेल है ये लॉजिकल टेस्ट किस फॉर्म में करता है। तो एक्सेल बेसिकली लॉजिकल टेस्ट दो फॉर्म में करता है, एक तो ट्रू में करता है और दूसरा फॉल्स में करता है। अब एक्सेल इन्हें समझता कैसे है, ट्रू को वन से समझता है और फॉल्स को जीरो से समझता है। अब हम ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ट्रू को वन कंसीडर करता है और फॉल्स को जीरो कंसीडर करता है? तो उसके लिए आप जानते ही होंगे कि हम एक्सेल में किसी भी अल्फाबेटिकल वर्ड को सम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस ट्रू के सेल को फॉल्स के सेल से ऐड कर दें तो ये हमें जो वैल्यू देगा वो वन देगा, क्योंकि वन प्लस जीरो वन होता है। अगर हम इस फॉल्स को चेंज करके यहाँ पर ट्रू लिख दें तो यहाँ पर वैल्यू टू हो जाएगी। तो जिससे हम डिराइव कर सकते हैं कि एक्सेल ट्रू को वन कंसीडर करता है और फॉल्स को जीरो कंसीडर करता है। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो दूसरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर करेंगे वो होगी लॉजिकल साइंस की। तो ये सारी एक्सेल में लॉजिकल साइंस है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो हम इन लॉजिकल साइंस को कुछ इस तरह समझेंगे। मान लीजिए हम फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले तो हम इक्वल लगाते ही हैं। अब मैं यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट देता हूँ एक्सेल को कि वन इज इक्वल्स टू वन। अब मैं एंटर करता हूँ तो एक्सेल मुझे ट्रू बता देगा। अगर मैं कहूँ वन इक्वल्स टू लगा के वन ग्रेटर देन टू तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि वन जो है वो टू से बड़ा नहीं है। तो इस तरह से एक्सेल का लॉजिक वर्क करता है। तो अब आप कहेंगे कि बिना इफ का फॉर्मूला यूज किए हमें ट्रू और फॉल्स मिल गया, तो इफ का फॉर्मूला लगाने से फायदा क्या है, हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है इफ का फॉर्मूला लगाने से? तो आइए वो हम जानते हैं यहाँ पर नीचे। तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज है। अब हम यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देंगे कि ये जो 100 है A18 में जो वैल्यू है ये ग्रेटर है 200 से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंटर कर दें तो यहाँ पर ये एरर देगा, रेड। आप देख सकते हैं कि सेल रेड में हाईलाइट हो चुका है। तो बेसिकली जो इफ का फॉर्मूला है यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट तो हमें देना ही होगा, लेकिन अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए और फॉल्स हुआ उसकी जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसका भी एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपने देखा होगा कि पहले जब हम इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे थे तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर दे रहा था। अगर आपको ट्रू और फॉल्स को जो जो वर्ड्स है उन्हें चेंज करना है तो आप इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ पर आना चाहिए एक्सेप्टेड, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पर आना चाहिए रिजेक्टेड। अब इसे एंटर कर देंगे, इन्हें इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे दोनों ही वर्ड्स। अब एंटर करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है ये फॉल्स है इसलिए यहाँ पर रिजेक्टेड आ गया। अगर मैं इसी को साइन को अगर चेंज कर दूँ, अगर मैं कहूँ A18 लेस देन 200 है तो ये तो एक्चुअल में ट्रू है, 100-200 से कम है। अगर मैं एंटर करूँ यहाँ पर तो ये एक्सेप्टेड आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूला को सभी में अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे जो सेल्स है वो 200 से लेस है या नहीं है। तो 300 200 से ज़्यादा है, 500 भी ज़्यादा है, 700 भी ज़्यादा है और 900 भी ज़्यादा है, इसलिए सभी रिजेक्टेड आ गए हैं सिर्फ पहले वाले सेल को छोड़ के, क्योंकि 100-200 से कम। तो आइए अब हम इफ के जो टेस्ट है वो इस डेटा में लगाते हैं, जो ये मार्क्स का हमने डेटा डमी डेटा क्रिएट किया हुआ है इसमें हम अप्लाई करेंगे। पहले तो हम सम निकाल लेंगे, इक्वल्स टू सम, तीनों ही सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करके सभी के लिए सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका परसेंट कैलकुलेट करेंगे, परसेंट कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू साइन लगाएंगे, मार्क्स टॉप 10 को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमें यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू मिली है, तो इस सेल पर हम कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट का साइन प्रेस करेंगे तो ये परसेंट में कवर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सभी सेल्स को क्लिक सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सभी पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे इफ का। तो मान लीजिए कि हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को 35% से कम मार्क्स मिले हैं तो वो फेल हो, और 35 से ज़्यादा मिले हैं तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हमारा जो कंडीशन है हम पहले उसे देंगे। तो हमें कंडीशन देना है कि अगर ये परसेंट 35% से लेस है, 35% से लेस है तो यहाँ पर लिख कर आ जाए फेल, अगर ये 35% से ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाए पास। तो इन्वर्टेड कॉमा में इसमें पास लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंटर, क्योंकि इसे 35% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो यहाँ पर पास आ गया है। इसी तरह हम कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और सभी सेल में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये सभी का पास आ रहा है क्योंकि सभी के 35% मार्क्स से ज़्यादा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ किसी भी सेल की वैल्यू 35 से कम करता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसे 34% कर देता हूँ, एंटर करेंगे तो यहाँ पर फेल लिख के आ जा रहा है। बेसिकली इससे प्रूव होता है कि हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो करेक्ट अप्लाई हुआ है। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो इफ का फंक्शन है वो कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नॉट पे। तो नॉट जो इफ है उसका कम्प्लीटली अपोजिट काम करता है। जैसे कि हम इफ में एक कंडीशन देते हैं और कहते हैं कि अगर ये ट्रू है तो वहाँ पर येस आ जाए, अगर फॉल्स है तो वहाँ पर नो आ जाए। तो नॉट
कंप्लीटली अपोजिट है। अगर वो ट्रू है तो वहां पर नॉट आ जाए नो आ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो वहां पर येस yes आ जाएगा। तो आइए अब इसे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू नॉट ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं, लॉजिकल टेस्ट देते हैं कि वैल्यू ए 18 जो कि 100 है, हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि ये 100 इज ग्रेटर देन 200, ओके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो 100 200 से ज़्यादा है तो ये लॉजिकल टेस्ट टेस्ट बेसिकली फॉल्स होना चाहिए क्योंकि ये गलत हमने दिया हुआ है। लेकिन नॉट में ये अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पर फॉल्स की जगह ट्रू आना चाहिए। तो मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये उल्टा काम करता है। अगर हम कह रहे हैं कि 100 200 से ज़्यादा है तो ये ट्रू दे देगा, अगर हम कहेंगे 100 200 से कम है तो ये फॉल्स दे देगा, जबकि एक्चुअल में वो ट्रू होगा। तो इसलिए इससे हम ये समझ सकते हैं कि नॉट जो है एकदम अपोजिट वैल्यूज देता है जो हमें चाहिए, बेसिकली जो हमारे लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम ये कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ये सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। तो बेसिकली अब यहाँ देख सकते हैं सेकंड सेल में, यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है वो ये है कि 300 200 से ज़्यादा है क्योंकि ये सच में ज़्यादा है इसलिए फॉल्स है। अब 500 भी 200 से ज़्यादा है क्योंकि ये सच में ज़्यादा है इसलिए ये फॉल्स है। तो लाइकवाइज ये काम करता है नॉट का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में बढ़ते हैं जो कि एंड है। तो नॉट की तरह एंड फंक्शन भी सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही काम करता है, यहाँ पर आप लॉजिकल वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते जैसे कि हमने इफ में किया था एक्सेप्टेड रिजेक्टेड फेल पास, तो एंड में हम ये नहीं कर सकते। लेकिन एंड में हमें ये एडवांटेज होता है कि हम एड में मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं एक से ज़्यादा। जैसे कि अब तक हम दे रहे थे सिर्फ एक कंडीशन कि ए 18 200 से ज़्यादा है, लेकिन एंड में हम एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं। आइए इसे अप्लाई करके देखते हैं, इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हम पहला कंडीशन देते हैं कि ए इज लेस देन 200, कॉमा लगा देंगे। अब दूसरा कंडीशन हम देंगे वैल्यू 2 को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर कंडीशन दे देंगे कि 200 इज ग्रेटर देन 300, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 100 इज लेस देन 200, ये वैल्यू ये जो हमारी कंडीशन है ये तो ट्रू है, लेकिन हमारी जो दूसरी कंडीशन है कि 200 इज ग्रेटर देन 300 ये फॉल्स है। तो एंड कंडीशन का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि अगर हमारी दोनों ही कंडीशन दोनों ही लॉजिकल टेस्ट सही होगा तो ही ये ट्रू देगा या फिर ये फॉल्स दे देगा। अगर एक भी कंडीशन गलत होती है तो ये फॉल्स दे देगा, अगर दोनों कंडीशन सही है तो ही ये ट्रू देगा। तो आइए इसे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि हमारा पहला कंडीशन तो सही था लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स था। अब सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और फॉर्मूला सब में अप्लाई कर देंगे। तो ये सभी में फॉल्स आ गया है क्योंकि हमारा जो पहला कंडीशन है वो है कि 300 इज लेस देन 200 फॉल्स है, दूसरा जो कंडीशन है वो 400 इज ग्रेटर देन 300, दूसरा वाला ट्रू हो रहा है यहाँ पे लेकिन पहला वाला फॉल्स है तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। लाइकवाइज सभी सेल में जो हमारे दोनों कंडीशंस है वो दोनों ही कंडीशंस गलत है इसलिए फॉल्स जा रहा है। अगर मैं इसे ग्रेटर कर दूँ ए 19 इज ग्रेटर देन 200 एंटर करूँ तो यहाँ पर हमारी दोनों ही कंडीशंस सही हो गई है, जो हमारा ए 19 है वो 200 से ज़्यादा है और बी 19 है वो 300 से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला को नीचे तक अप्लाई कर दूँ तो सभी ट्रू हो जाएंगे क्योंकि ये 200 से ज़्यादा है 500 और ये 300 से ज़्यादा है 600। सो बेसिकली लाइकवाइज ये काम करता है एंड का फंक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर जो कि और है। तो अभी हमने एंड में देखा कि हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, उसी तरह से हम और में भी मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन एंड का क्राइटेरिया ये था कि हमारे दोनों ही लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन सही होंगे तो ही ट्रू होगा। लेकिन और में ऐसा है कि अगर हमारे दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक भी सही है, तो वो ट्रू दे देगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में फॉल्स आएगा। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इक्वल्स टू और ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहला कंडीशन दे देंगे 100 इज लेस देन 200, सेकंड कंडीशन दे देंगे 200 इज ग्रेटर देन 400। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो सही है कि 100 इज लेस देन 200, लेकिन हमारा जो दूसरा कंडीशन है कि 200 इज ग्रेटर देन 400 वो इनकरेक्ट है, ठीक है। एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। अब देखते हैं इस केस में क्या आंसर रहता है, एंटर प्रेस करेंगे तो इसने ट्रू दे दिया। इसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि हमारी जो एक कंडीशन है पहली कंडीशन कि 100 200 से कम है वो मैच हो गई है इसलिए इसने ट्रू दे दिया। ये फॉर्मूला सभी सेल्स में अप्लाई कर देंगे कंट्रोल डी प्रेस करके। चार सेल्स में तो ट्रू आ गया लेकिन सेकंड वाला फॉल्स आया। अब देखते हैं ये क्यों फॉल्स आया। तो यहाँ की जो दोनों कंडीशंस हैं वो दोनों कंडीशन इनकरेक्ट हैं, फॉल्स हैं, इस वजह से यहाँ पर फॉल्स आ गया। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये कि 300 200 से कम है जो कि फॉल्स है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन 400 से ज़्यादा है तो ये भी फॉल्स है। अब आप ये कहेंगे कि दोनों 400 है फिर भी ये फॉल्स कैसे हो जा रहा है, क्योंकि 400 से ज़्यादा होना चाहिए तो ही वो उसको ट्रू कंसीडर करेगा। अगर आपको इसे मैच करवाना है तो आपको यहाँ पर इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ये 400 या 400 ज़्यादा है तो ये ट्रू होगा। अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, एंटर, ये ट्रू हो गया। तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। बढ़ते हैं अपने नेस्टेड फॉर्मूला की ओर। इफ नेस्टेड फॉर्मूला ये, इफ और एंड को हम साथ में यूज करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो इफ और एंड को नेस्टेड फॉर्मूला में यूज करने से पहले आपका इफ और एंड दोनों का ही इंडिविजुअल
कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब तक आपने सीख लिया होगा इफ और एंड को इंडिविजुअली कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं इफ और एंड को साथ में और देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर एंड लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि हम एंड में मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो ही हमारी ट्रू की वैल्यू आएगी, अगर एक भी फॉल्स है तो हमारी फॉल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेसिकली हम 100 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देते हैं कि 100 इज लेस देन 200, जो कि सही है। दूसरा लॉजिकल टेस्ट देते हैं कि 200 इज लेस देन 400, ठीक है, दोनों ही सही है इस केस में। तो ये हमारी ट्रू की वैल्यू बन रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रू की वैल्यू बन रही है तो हमें ये देना होगा कि अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हुए हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए इस सेल में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में एक्सेप्टेड, अगर ये दोनों ही ट्रू हुआ तो एक्सेप्टेड आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगा देंगे और फॉल्स की वैल्यू दे देंगे अगर ये दोनों में से एक भी गलत हुआ तो। एंड में अगर एक भी गलत हुआ तो वो फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स की जगह हमारा वैल्यू आना चाहिए रिजेक्टेड, और इसे भी इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्योंकि हमारी दोनों ही कंडीशंस मैच हो रही थी इसलिए यहाँ पर एक्सेप्टेड आ गया, ट्रू हो गया ये। अब हम कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सब में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बाकी सारे रिजेक्टेड आ गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर A19 की वैल्यू है वो 300 है, तो 300 इज लेस देन 200, नहीं गलत है। B9 400 इज लेस देन 400, नहीं, क्योंकि ये 400 के इक्वल है तो ये भी फॉल्स है, तो इस वजह से यहाँ पर रिजेक्टेड आ गया। तो इसी तरह से ये सभी कॉलम लाइकवाइज 200 और 400 से कम है इसीलिए सब रिजेक्टेड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्विक करें और यहाँ पर लिख देते हैं हम इसे 1200 और इसे हम कर देते हैं 1400, तो ये 500 1200 से तो कम है ही और 600 1400 से कम है, तो यहाँ पर एंटर कर देंगे और ये ट्रू हो जाएगा और ये एक्सेप्टेड आ गया है। तो आइए इफ और एंड की फॉर्मूला को हम ऊपर के एग्जाम्पल में लगाकर देखते हैं, अपनी जो मार्कशीट का एग्जाम्पल है वहाँ पर हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट में हम इंडिविजुअल मार्क्स को देंगे और हम कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर यहाँ से यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल मार्क 35 से कम है तो यहाँ पर आ जाए फेल। पहला कंडीशन हम ये दे देंगे कि अगर B2 35 से कम है, दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि अगर C2 35 से कम है और अगर D2 भी 35 से कम है, मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स आए हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाए फेल की, अगर 35 से ज्यादा है तो वो पास की वैल्यू आ जाए। तो इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे फेल, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स आए तो फेल आ जाए, अगर 35 से ज्यादा है तो कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे पास, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शिव जो हमारा पहला स्टूडेंट है इसको सभी सब्जेक्ट में 35 से ज्यादा मार्क्स आए इसलिए पास है। अब इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट में 35 से ज्यादा मार्क्स आए हैं इसलिए सभी पास हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा वैल्यूज को ट्विक कर देता हूँ, तब देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलेगी। अब मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स कर देता हूँ, जैसे इंग्लिश में 33 कर देता हूँ, 32 और यहाँ पर 30 कर देता हूँ। तो क्योंकि इसे सभी सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स आए हैं तो इसका जो स्टेटस है वो फेल हो गया है। तो इस तरह से हमारा इफ़ और एंड का फॉर्मूला साथ में काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ और का फॉर्मूला कैसे नेस्टेड फॉर्म में काम करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इफ जो है वो लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज होता है, कि हमें लॉजिकल वैल्यू अगर सही है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए और लॉजिकल वैल्यू रॉन्ग है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। और में ये होता है कि हम अगर मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हैं तो वो सारी कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर मीट होती है तो वहां पर ट्रू की वैल्यू आ जाएगी, और अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो फॉल्स आ जाएगी। तब देखते हैं यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और लिख लेंगे ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट पहला ये देंगे कि हमारा जो 100 है इज ग्रेटर देन 200, कॉमा लगा देंगे, दूसरा वैल्यू देंगे कि हमारा जो 200 है इज ग्रेटर देन 400, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर आ जाए एक्सेप्टेड, अगर ये फॉल्स है तो कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे रिजेक्टेड, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि अब हम फॉर्मूला से देख सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लगाया 100 इज ग्रेटर देन 200 ये तो फॉल्स है, और 200 इज ग्रेटर देन 400 ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पर दोनों ही क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे हैं। तो और फॉर्मूला में ट्रू की वैल्यू आने के लिए कोई ना कोई एक फॉर्मूला एक कंडीशन तो मीट होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ही मीट नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर रिजेक्टेड आ जाएगा, एंटर करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पर रिजेक्टेड की वैल्यू आ गई। अब सभी सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सभी में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बाकी सारे एक्सेप्टेड हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर A19 इज ग्रेटर देन 200 ये मीट हो गया है, B19 इज ग्रेटर देन 400 सेकेंड जो हमारा क्राइटेरिया है, सेकेंड जो कंडीशन है ये मीट नहीं हो रही है, क्योंकि लेकिन फर्स्ट वाली मीट हो गई है तो यहाँ पर ट्रू की वैल्यू आ गई है। तो जैसे कि हमने सीखा था पहले और में मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हैं लेकिन अगर उसमें से एक भी कंडीशन मीट होती है तो वो ट्रू की वैल्यू देगा,
ओके okay, तो लाइक वाइज ये सभी सेल में वैल्यूज आ गई है। अब हम ये सेम फॉर्मूला अपने मार्कशीट वाले एग्जांपल में डाल के देखते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट ओपन, पहला कंडीशन देते हैं कि इंग्लिश में अगर स्टूडेंट को लेस देन 35 आए, मैथ्स में लेस देन 35 आए हैं या फिर साइंस में लेस देन 35 आए हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और की कंडीशन कंप्लीट होती है। अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन मीट होती है, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर किसी भी स्टूडेंट को 35 से कम आए हैं तो हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो फेल होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमाज में हम फेल लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाकर अगर उसे सभी सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो वो पास की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में पास लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्योंकि हमारे जो पहला स्टूडेंट है उसे सभी सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं इसीलिए यहाँ पर पास हो गया है। अगर उसे किसी भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर फेल की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की वैल्यू मैं इसकी कर दूँ 30 तो अब देखते हैं ये चेंज हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा और यहाँ पर फेल आ गया है। इस तरह से हम सभी सेल्स में एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कंट्रोल डी प्रेस करके। तो आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा स्टूडेंट फेल है, बाकी सारे पास हैं क्योंकि इन दोनों स्टूडेंट को एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स आए हैं। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ इसे 34 कर दूँ एक सब्जेक्ट में, एंटर करूं तो ये भी फेल हो गया है। तो इस तरह से आप नेस्टेड फॉर्म में इफ और का फॉर्मूला साथ में यूज कर सकते हैं। अब फाइनली हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि बोनस इफ के फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे आखिर के जो आज के दो फॉर्मूलाज है वो इफ एरर और इफ एनए। तो बेसिकली समझ लीजिए आप कोई एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपके पास दो नंबर है 12 है और 0 है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 15 है और 0 है। अब आपको 15 को डिवाइड करना है 0 से, ओके okay? मैंने डिवाइड का फॉर्मूला लगा दिया, एंटर करूंगा तो यहाँ पर एरर आ जा रहा है हमारे पास। अब इस एरर को हम चाहते हैं कि ये विजिबल ना हो यहाँ पर, भले से ही एरर ही क्यों ना आ रहा हो हमारे कैलकुलेशन में, अगर ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए हमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद सबसे पहले हम लिख लेंगे इफ एरर, ओके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट में हमारा जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेशन डाले थे डिविजन का फॉर्मूला वो एज इट इज रहने देंगे, कॉमा अगर एरर आ रहा है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए। तो मैं दो इन्वर्टेड कॉमास डाल रहा हूँ, इसका मतलब ब्लैंक होना चाहिए। अगर आपको कोई और वैल्यू चाहिए जैसे कि कैनॉट बी कैलकुलेटेड तो आप इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास के बीच में वो टाइप कर सकते हैं कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और वहां पर वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस एग्जांपल के लिए मैं इसको ब्लैंक ही रहने दे रहा हूं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर देख सकते हैं एरर चला गया है। अब अगर मैं जीरो को चेंज करके 5 कर देता हूं तो यहां पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 3। अब मैं इसे वापस से जीरो करता हूं तो ये कैलकुलेट नहीं कर सकता एक्सेल, इसीलिए यहां पर एरर आ जाएगा, लेकिन हमने इफ एरर का फॉर्मूला लगाया तो वो एरर भी विजिबल नहीं होगा हमें, वो एरर बैकएंड में ही रहेगा। तो इस तरह से आप इफ एरर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट फॉर्मूला की ओर जो कि इफ एनए है। तो मान लीजिए कि मैंने कुछ वी लुकअप लगाया है और वहां पर मुझे हैश एनए आ जाता है। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है वी लुकअप लगाने के बाद तो वहां पर हैश एनए आ जाता है, आप जानते होंगे। तो मुझे मल्टीपल हैश एनएज आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि यह जो हैश एनएज है ये विजिबल ना हो हमारे डेटा शीट में, उसकी जगह कुछ और विजिबल हो, कोई और वैल्यू हो या फिर वो ब्लैंक हो जैसे कि हमने इफ एरर में देखा था। तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं, हम उसे इफ एनए का फॉर्मूला यूज करके हटा सकते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ एनए, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हमें यहाँ पर एनए आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, उसकी जगह ब्लैंक चाहते हैं या फिर कुछ और लिखा हुआ है वो चाहते हैं। सिर्फ ब्लैंक चाहते हैं तो हम दो इन्वर्टेड कॉमास डाल के छोड़ देंगे, उसकी जगह कुछ और वैल्यू चाहते हैं तो हम वो यहाँ पर टाइप कर देंगे इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। तो मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि कैनॉट बी कैलकुलेट लिख के आ जाए, तो लिख देते हैं कैनॉट बी कैलक्यूलेटेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर एनए है तो उसकी जगह पर हमें कैनॉट बी कैलकुलेट लिख के आ जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। ऐसे ही नए और लेसर यूज्ड और अननोन फॉर्मूलाज को एक्सप्लोर करने के लिए आप मेरे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।